तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इन पासिंग थ्रू द सेंटर इज गिवन। सो आपका एक स्क्वायर प्लेट ड्रॉ करते इसके सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिख के दिया गया है आईसी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय सिक्स। ओके, सो आपको फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ इट्स कॉर्नर। मतलब आपको इस पॉइंट पे निकालना है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सिस। सो ये जो डिस्टेंस है पहले तो आप ये निकाल लो। सो आपका साइड स्क्वायर प्लेट का जो ये दिया है साइड क्या है, ए है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका डायगोनल है ये कितना हो जाता है रूट टू ए। सो ये जो एच है आपका ये सेंटर एंड रिक्वायर्ड एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा रूट टू ए बाय टू, बेसिकली ए बाय रूट टू। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको रिक्वायर्ड एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी प्लस क्या हो जाएगा एम एच स्क्वायर, आई सी आपको लिख के दिया एम ए स्क्वायर बाय सिक्स और आपका एच स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ ए बाय रूट टू का स्क्वायर। सो एम ए स्क्वायर बाय सिक्स प्लस एम ए स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा ये टू, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए सिक्स टू जो ट्वेल्व एंड टू एम ए स्क्वायर प्लस सिक्स एम ए स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा एट एम ए स्क्वायर बाय ट्वेल्व। सो आपका जो रिक्वायर्ड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा टू बाय थ्री एम ए स्क्वायर। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा बी।